निकल जाए यहां से, नंबर देख अपने कितने आए हैं ट्वेल्थ में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये, देगा तुझे कोई एडमिशन? ऐसे ही कुछ कहा था मेरे डैड ने जब मेरे ट्वेल्थ में 50% आए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर है और उनका बेटा एक निकम्मा। उस वक्त मैं भी गुस्से में रोते हुए अपने घर से चले गया। थोड़ी ही देर में मेरे मदर की कॉल आई और उन्होंने मुझसे कहा, कहां पे है तू, बारिश हो रही है, जा घर चले जा। उस वक्त इमोशनल तो मैं भी हो रहा था, मुझे लगा यार ये क्या कर दिया मैंने अपनी लाइफ के साथ। उस वक्त मैंने अपनी मदर से कहा, नहीं पहले जब आप ऑफिस से आओगे तो मुझे मिलना, तभी मैं घर जाऊंगा। फिर शाम को मैं अपनी मदर से मिला, उनके सामने रोया और मैंने उनसे कहा कि माँ मैंने इंजीनियरिंग करनी है। पहले उन्होंने मुझे समझाया कि एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, अगर एडमिशन मिल भी गई तो भी बहुत सारी डोनेशन देनी पड़ेगी और हमारी उतनी सेविंग्स भी नहीं है। पर मैंने उनसे कहा मुझे नहीं पता, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। और बहुत देर के बाद उन्होंने कहा, चल ठीक है मैं तेरे पापा से बात करूंगी। फाइनली मेरे मदर ने मेरे डैड को कन्विंस कर लिया और मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवा दी गई, क्योंकि मेरी स्टडीज लोन पे ही हो रही थी और मुझे पता था कि मेरे पास ये फाइनल शॉट है, इस बार मुझे अपने घर वालों की बेइज्जती नहीं करवानी है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालना स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर में मैं 15 मिनट पढ़ के ही थक जाता था, क्योंकि मुझे पढ़ने की आदत ही नहीं थी, वो सिटिंग ही नहीं थी। उस 15 मिनट की सिटिंग को धीरे धीरे इंक्रीज करके मैंने 1 घंटे की 1.5 घंटे की सिटिंग बनाई और बीटेक में पूरी मेहनत करके एक अबव एवरेज इंजीनियर बन गया था और 80% के साथ डिग्री कंप्लीट करी। मेरी 2 जगह कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी, लेकिन उनमें से मैंने कोई भी ज्वाइन नहीं की। मुझे लगा कि मैं अभी इतना अच्छा इंजीनियर नहीं बना हूं और मैंने गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया और मेरे से जितना हो सकता था मैंने अपनी पूरी मेहनत करी। जैसे ही गेट का एग्जाम हुआ तो उसके रिजल्ट आने में कुछ टाइम था और उस वक्त मैं फ्री हो गया था, और तब तक मेरी ये हैबिट बन चुकी थी कि मुझसे फ्री नहीं रहा जाता था। मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्टडीज में इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि उन्हें चीजें समझ नहीं आती, और मेरे अकॉर्डिंग इसका रीजन था कि हमारी जो बुक्स लिखी गई हैं वो बहुत ही बोरिंग वे में लिखी गई हैं। पहले हमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है, जबकि प्रोसेस बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। पहले हमें किसी चीज की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बतानी चाहिए, उस चीज को फिजिकली रियल लाइफ में दिखाना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे डिटेल में घुसना चाहिए। उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे बहुत नॉलेज हो गई है, इसलिए मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए और बाकी स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए। उस वक्त मैंने एक चैनल खोला जिसका नाम रखा गया थिंग्स इंजीनियर मस्ट नो, और बाद में यही चैनल गीगल यानी ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ में कन्वर्ट हुआ। मेरी सबसे पहली वीडियो थी योर सीलिंग फैन विदाउट कैपेसिटर, यानी अगर आप सीलिंग फैन में से एक कैपेसिटर बाहर निकाल देते हो तो क्या होगा, क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा और क्या वो किसी भी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। मैं फिजिकल वर्ल्ड को इंजीनियरिंग के डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करना चाहता था ताकि हर एक इंसान इवन एक एवरेज स्टूडेंट उसको अप्रिशिएट कर सके। फिर मैंने घर की नॉर्मल मोटर्स उठा के उन्हें इंजीनियरिंग के डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करी और फिर मैं ये वीडियोस बनाता गया। बाद में गेट का रिजल्ट भी आ गया और मेरा अच्छा स्कोर आया 99.45%। फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले ली जहां पर मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। उन स्कॉलरशिप के पैसों को मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने में ही खर्च कर देता था, जो मेरे फ्रेंड्स को बहुत वियर्ड लगता था। उस वक्त वो अपने स्कॉलरशिप के पैसों को अपने कपड़ों में, अपने नए सेलफोन्स में खर्च कर देते थे। जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था और मैं लैब में होता था, उस वक्त भी मैं कोई ना कोई वीडियो शूट कर लेता था, जैसे कि ये वीडियो जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बेसिक रेक्टिफायर सर्किट एक्सप्लेन कर सकूँ, यानी आप अपना एक मोबाइल का चार्जर कैसे बना सकते हैं। मेरा बेसिक मोटो यही था कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बना दूं कि किसी भी स्टूडेंट को वो आसानी से समझ आ जाए और स्टूडेंट्स का वो बिन वजह का डर ही हट जाए और उन्हें लगे यार ये तो इतना सिंपल था, एकदम लॉजिकल था। उस वक्त तक मुझे इंजीनियरिंग से बहुत प्यार हो गया था, मुझे लगा कि मुझे एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना है और मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि आगे 2 टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्यूचर बन सकती हैं, जिनमें से पहला था IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम इंसान तो इंटरनेट से बात करते ही हैं, उसे यूज करते ही हैं, लेकिन अब सारी थिंग्स, आपका फ्रिज, आपकी प्रेस, आपके घर के स्विचेस, इन सब चीजों को भी इंटरनेट से कनेक्ट करना ताकि ये खुद के डिसीजंस ले सकें, स्मार्ट बन सकें। और दूसरी टेक्नोलॉजी थी वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को आप पहने, उसमें सेंसर्स कनेक्टेड हों और उन डेटा से आप और एक्शंस ले सकें। तो मुझे लगा कि मैं इन दोनों टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करता हूं। तो मैंने अपने नेक्स्ट स्कॉलरशिप के पैसे इंटेल एडिसन खरीदने में लगाए। इंटेल एडिसन एक छोटा सा डिवाइस है आपकी घड़ी जितना, जिसे आप पहन सकते हैं, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स। और फिर मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखा। मैंने बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करी थी और मोबाइल एप्स बनाना मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि ये मेरी हॉबी थी इसलिए मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख लिया। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका मेन फंक्शन था कि आपका मोबाइल ऐप आपके GPS डेटा को क्लाउड में सेंड करेगा और आपकी रियल टाइम लोकेशन का डेटा आपके घर के सेंसर
सेंसर्स में जाएगा और जैसे ही आप अपने घर के 200 मीटर के रेडियस में पहुंचते हैं, आपके घर की कॉफी मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और अगर आप अपने घर के 50 मीटर के रेडियस में पहुंचते हैं तो आपके घर का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने 3-4 वीडियोस में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सप्लेन करके यूट्यूब में डाल दिया। अगर आप इन वीडियोस को देखें तो इनमें ज्यादा व्यूज नहीं आए, लेकिन रिस्पांस काफी आया। मुझे 3-4 लोगों ने कांटेक्ट किया, जिनमें से एक लड़का सिंगापुर से था और वो भी ग्रेजुएशन कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो भी एक ऐसी ऐप बनवाना चाहता है और इसके लिए वो मुझे पैसे दे सकता है। मैं पैसों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मुझे वो फीलिंग चाहिए थी, शायद सिग्निफिकेंस की फीलिंग, कि मैं भी कुछ एकदम नई चीज सीख के उसे किसी यूजफुल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके उसे सेल कर सकता हूं। और इसके लिए मैंने उससे $200 चार्ज किए और बाद में मुझे पता लगा कि ये बहुत कम थे। इसका प्राइस मिनिमम $1,000 के आसपास होना चाहिए था और शायद हम इंडियंस बहुत सस्ते में ही मान जाते हैं। एनीवेज, उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया क्योंकि मैं बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया था और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। इसके काफी टाइम के बाद मैंने एक चैनल देखा, फाइट मीडियोक्रिटी, जो कि इन्होंने बनाया है। इनके नाम की प्रोनंसिएशन काफी डिफिकल्ट है और मैं इसे गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता। एनीवेज, इस चैनल का मेन कॉन्सेप्ट था कि बुक को समराइज किया जाए और उसे एनिमेशन की फॉर्म में दिखाया जाए, जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने बचपन में भी काफी बुक्स पढ़ी थी, बेशक अपनी स्कूल्स की बुक्स ना पढ़ी हूँ। मुझे लगा मैं इस चीज को बहुत बेटर कर सकता हूँ क्योंकि ये बुक की इतनी ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं करते थे। और उसके बाद मैंने अपने फ्री टाइम में बुक्स को समराइज करना स्टार्ट किया। जहां तक मेरी नॉलेज है, फाइट मीडियोक्रिटी ही पहला चैनल था जो इस कॉन्सेप्ट को लाए थे। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट पिल, 1% बेटर, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी जैसे चैनल्स इनसे इंस्पायर होके खुले। उनमें से मैं भी एक था जिसने अपने वे में, अपनी लैंग्वेज में बुक्स को समराइज करना स्टार्ट किया। और मुझे खुशी है कि आप लोगों को भी वो वीडियोस बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने इसे अपने फ्री टाइम में कंटिन्यू रखा। जब मैंने ज्यादा बुक्स को समराइज करना स्टार्ट किया, तब मैंने सारी टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस को जो मैंने पहले बनाई थी उन्हें प्राइवेट कर दिया। ऑल्दो ये सारी वीडियोस अभी भी इस चैनल में अवेलेबल है और इस चैनल का नाम थिंग्स इंजीनियर मस्ट नो से ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ कर दिया गया। लेकिन ये यूट्यूब चैनल अभी भी थिंग्स इंजीनियर मस्ट नो @gmail.com ईमेल पर ही बना है। ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ @gmail.com ये ईमेल बाद में बनाई गई। अगर आप इस चैनल से पहले से कनेक्टेड हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आप बुक समरीज को फ्री में डिटेल में सुन सकते हैं। इस एप्लीकेशन को बनाने का भी एक बहुत स्ट्रांग रीजन था। एक्चुअली मैं पीटर थील के आइडियाज को पहले सुनता था और उन्हें फॉलो करता था। उन्होंने अपने ट्वीट्स में और कई इंटरव्यूज में एक ऐसी बात कही थी जो मुझे बुरी लगी थी, और वो ये थी कि जब उन्होंने अपनी बुक 0 to 1 लॉन्च करी, जो कि बिजनेस के ऊपर है, तो उन्होंने बताया कि चाइना और इंडिया की ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन के बावजूद चाइना में उनकी बुक की 1 million से ज्यादा कॉपीज बिकी, लेकिन इंडिया में सिर्फ 40,000। इस पे उन्होंने कहा कि इससे पता लगता है दोनों कंट्री के एटीट्यूड्स के बारे में। चाइना बहुत बिजनेस ओरिएंटेड है, एक एम्प्लॉयर बनना चाहता है, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, जबकि इंडिया एक कंज्यूमर कंट्री है। My 0 to 1 book was a incredible bestseller in China. We sold over 1 million copies in China. We sold 40,000 in India. So that gives you sort of a contrast between how much China's focused on entrepreneurship and innovation vis-a-vis, the equally large, equally populous country to the south called India. पीटर थील पेपैल जैसी कंपनी के को-फाउंडर रह चुके हैं और फेसबुक के इनिशियल इन्वेस्टर्स में से एक थे। पेपैल की पूरी टीम के मेंबर्स $1 billion से बड़ी कंपनी बना चुके हैं, जैसे कि यूट्यूब, येल्प, यामर, स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर्स, लिंक्डइन। मुझे सिर्फ ये कंफ्यूजन थी कि ऐसे आदमी के आइडियाज को सीखने के लिए हम 150 रुपए की बुक क्यों नहीं खरीदेंगे, जबकि इससे कहीं ज्यादा पैसे हम एक मूवी देखने में ही खर्च कर देते हैं। मुझे हम लोगों की कैपेबिलिटी में बिल्कुल भी शक नहीं है। हम मैथ्स और कंप्यूटर्स में दुनिया में बेस्ट है। हमने ही अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स में सैटेलाइट भेज दी, वो भी सबसे कम प्राइस में, और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कोई भी नहीं कर पाया, अमेरिका भी नहीं। हम लोगों ने एक ही रॉकेट की मदद से 101 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इवन रशिया भी एक साथ सिर्फ 37 सैटेलाइट्स को एक रॉकेट की मदद से लॉन्च कर पाया था। हम लोगों की हिस्ट्री में रामानुजन जैसे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस हुए हैं, जिनको कोई मैथ्स की फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी गई थी, लेकिन आज उनके फॉर्मुलेज ब्लैक होल्स में यूज होते हैं, आज की सबसे लेटेस्ट थियरी स्ट्रिंग थियरी में यूज होते हैं, और वो तो उनकी ट्यूबरक्लोसिस से 32 इयर्स में डेथ हो गई थी, वरना वो मैथमेटिक्स में बहुत सारी डिस्कवरीज कर चुके होते।
तो अब सवाल ये आता है कि जब हम इतने केपेबल हैं, तो हम एक एम्प्लॉयर क्यों नहीं बनते, हम 0 to 1 जैसी नॉलेज क्यों नहीं लेना चाहते। जब मैंने रिसर्च करी तो इसके मुझे दो रीजंस लगे। पहला, 0 to 1 बुक की ट्रांसलेशन चाइनीज में थी लेकिन हिंदी में नहीं, यानी लैंग्वेज बैरियर। एंड सेकंड, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ज्यादातर लोग बिजनेस की तरफ ओरिएंटेड नहीं थे, इसलिए हम इसे रिस्की समझते हैं और अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को, लैंग्वेज बैरियर और टाइम बैरियर, इसे मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी और खासकर 0 to 1 बुक हिंदी में खुद की आवाज में काफी डिटेल में समराइज करी। और मैं चाहता हूँ कि मैं गीगल ऐप में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बुक्स लेके आऊँ, उन बुक्स को लेके आऊँ जो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होती, जिसकी वजह से हम में से वो लोग जो लॉजिक में बहुत ज्यादा अच्छे हैं सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वो ग्रेट आइडियाज नहीं होते। और मैं जानता हूँ कि अगर हमें वो आइडियाज मिल जाएं और हम बिजनेस ओरिएंटेड डायरेक्शन में चल पड़े, एक प्रोड्यूसर कंट्री बनने के डायरेक्शन में चल पड़े, तो हम इंडिया को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हैं या फिर एटलीस्ट अपनी फैमिली को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी स्टोरी देख के आप भी मोटिवेट हुए होंगे कि हम किसी भी लेवल से किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। जहां तक रही YouTube में सक्सेसफुल होने की बात, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। बाकी अगर आप गीगल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके ये ऐप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गीगल को सुनते रहिए। जय हिंद।